कि कल को उनको कुछ हो जाएगा तब सबको सारे जो बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार है विक्की वेदर्दी नहीं रहा पोस्ट करेंगे और अभी उनको एक पोस्ट करने में ये दिक्कत हो रहा है कि प्लीज विक्की वेदर्दी की मदद कर एक लोग पोस्ट करना नहीं चाह रहे हैं और हम लोगों ने जिन जिन लोगों से हम तक बात की है कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ आया लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मरने से पहले किसी के मौत होने से पहले आप उसको सपोर्ट करिए सहायता कीजिए मरने के लोग आवाज़ उठाते हैं चिल्लाते हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं तो जब घटना हो जाती है तब हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पे घटना अभी हुई नहीं है, अभी ये जिंदा है। हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि इनको बचाने की, ना कि जब इनके साथ कुछ हादसा हो जाए तब जाके हम लोग उस तरीके से दौड़ेंगे और कहेंगे कि वहाँ। हाँ, ये रिपोर्ट है उनका जिसमें डॉक्टर ने PMCH का रिपोर्ट एक बार दिखा देंगे अच्छे से। अंकित जी देखिए, डॉक्टर ने तो सारा कुछ बता दिया, सारा प्रोसेस उसने तो सीधा 3 यूनिट ब्लड का लिखा। खेसारी लाल यादव जी के साथ भी अपना स्टेज शेयर करके गाना गाए हैं और आज वही विक्की वेदर्दी यहाँ पर। आपको बता दूं कि हफ्ते में 2 बार इनका डायलिसिस होता है और लगातार इनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो अभी फिलहाल इनको 3 यूनिट ब्लड की जरूरत थी जिसमें से 1 यूनिट हमारे साथी पत्रकार अमर जी आप देख रहे हैं। ये विक्की वेदर्दी हैं, भोजपुरी गायक थे। पिछली बार भी आपने हमारे रिपोर्ट में देखा था इनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। पहले भी हमने आपको बताया कि इनका दोनों किडनी खराब हो चुका है, ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है और अभी इनकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है। पहले बीच में इनकी हालत कुछ ठीक थी, चंडीगढ़ में इलाज के लिए गए भी थे लेकिन वहाँ पे भी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया इनका और अभी ये पटना के PMCH में भर्ती हैं। जब हमने पता किया, जानकारी ली तो इन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी पता चली तो 3 यूनिट डॉक्टर ने ब्लड दिलवाने के लिए कहा जिसमें 1 यूनिट ब्लड हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है। ये हमारे पत्रकार बंधु अमरजीत जी ने दिए हैं। अभी भी 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत इसे इन्हें और है और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये डायलिसिस पे जिंदा है क्योंकि दोनों किडनी इनका फेल हो चुका है, ब्लॉकेज है दोनों किडनी में। तो अब फिर से वही रिक्वेस्ट होगा आप लोग से कि जब तक ये हैं कम से कम आप लोग आगे आइए और इतनी मदद करिए कि इन्हें इनके इलाज कराने में कोई दिक्कत ना हो। इनका फैमिली में कोई नहीं है, ये भी बात हमने आपको बताया था, अभी भी बताया कि इनके फैमिली में कोई नहीं है कि इनकी मदद कर सके। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार, मैंने पिछले बार भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल्स डाल दिया था, मैं इस बार भी डिटेल्स डाल दूंगी। आप लोग उस डिटेल्स के माध्यम से आ सकते हैं, मिल सकते हैं और देखने के बाद अगर वाकई आपको लगे कि विक्की वेदर्दी की मदद करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ ह्यूमन नेचर की वजह से, एक इंसानियत की वजह से एक बार प्लीज़ विक्की वेदर्दी की मदद ज़रूर करें। साथी दिखा देंगे हमारे साथ, साथी पत्रकार भी सारे लोग आए हैं कि इनकी मदद कर सके जितना पॉसिबल, जितना हो सके उतना विक्की वेदर्दी जी के लिए और जितना पॉसिबल होगा जितने लोगों के लिए मतलब ये मैसेज जा रहा है, ज़्यादा ज़्यादा अगर हो सके जितना अगर मतलब आपके भी जान पहचान में हो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ब्लड की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और जितने लोग ब्लड देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा। विक्की वेदर्दी के आप लोग हेल्प कीजिए क्योंकि इनके दोनों किडनी जो है फेल हो चुका है, सिर्फ ब्लड के सहारे ये जी रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विक्की वेदर्दी जो कि भोजपुरी में अपना बहुत समय दिए हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ भी अपना स्टेज शेयर करके गाना गाए हैं और आज वही विक्की वेदर्दी यहाँ पर। आपको बता दूं कि हफ्ते में 2 बार इनका डायलिसिस होता है और लगातार इनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो अभी फिलहाल इनको 3 यूनिट ब्लड की जरूरत थी जिसमें से 1 यूनिट हमारे साथी पत्रकार अमरजीत भाई ने दिया है और 2 यूनिट की मांग को लेकर के 2 यूनिट को लेकर के अभी यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना यहाँ पर आइए और देखिए। जी सबसे पहले बता दें कि विक्की वेदर्दी जी काफी एक ऐसे मतलब स्थल पे हैं कि कहा जा सकता है कि एक जिंदगी और मौत की सवाल है इनका और कोशिश करिए आप लोग कि जिस तरह से मैम या जितने भी पत्रकार हैं जिस तरह से इनकी मदद की गुहार लगा रहे हैं तो किसी के लिए हम सब भी गुहार लगा रहे हैं। लास्ट में साथी पत्रकारों से एक और अपील होगी हमारी कि कोई भी घटना घटित होने के बाद हम लोग आवाज़ उठाते हैं चिल्लाते हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं तो जब घटना हो जाती है तब हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पे घटना अभी हुई नहीं है, अभी ये जिंदा है। हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि इनको बचाने की, ना कि जब इनके साथ कुछ हादसा हो जाए तब जाके हम लोग उस तरीके से दौड़ेंगे और कहेंगे कि वहाँ पे मदद करिए, सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा ना कि जिस तरह से विक्की वेदर्दी अपनी जान को अपनी जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट जीवित है और जब तक बचने की हो उम्मीद है तब तक हर प्रयास लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इंतजार करें कि जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो आके बहुत चिल्लाएंगे बहुत चीज़ करेंगे। हम पत्रकार हैं,
हम पुलिसकर्मी नहीं है या ये नहीं है कि वारदात होने के बाद जाना मेरा काम है, उससे पहले भी बचाने का जो प्रयास है वो लोगों को करना चाहिए। और आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि अगर नहीं कुछ कर सकते तो ब्लड एटलीस्ट दे सकते हो और रक्तदान महादान आप समझ रहे हैं। जैसा कि खुशबू जी आपने बोला कि एक यूनिट ब्लड देना है विक्की बेदर्दी जी को, तो हमने बोला चलिए हम दे देते हैं, कोई इशू बिल्कुल। और अभी जैसा कि हमने बात किया, ये अंकित जी भी हैं, 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत डॉक्टर ने बताया है, हमारे पास सारा डिटेल्स भी है, अंकित जी इसको दिखाएंगे थोड़ा। और ये हाँ हाँ ये रिपोर्ट है उनका, जिसमें डॉक्टर ने PMCH का रिपोर्ट एक बार दिखा देंगे अच्छे से अंकित अंकित जी। देखिए डॉक्टर ने तो सारा कुछ बता दिया, सारा प्रोसेस उसने तो सीधा 3 यूनिट ब्लड का लिखा है। और आपको बता दूं ना कि उनका आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है और इसमें से 3 यूनिट ब्लड लगता है। अभी हमारे साथ अमरजीत भाई आए हैं जो कि ब्लड डोनेट करना चाह रहे थे, सेम ब्लड ग्रुप था, और भी एक कोई साथी मित्र है वो भी बोल रहे हैं, और एक हमारे पास सदर अस्पताल का रिसीविंग था जिसके कारण से एक ब्लड और भी मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि कल को उनको कुछ हो जाएगा तब सबको, सारे जो बड़े बड़े भोजपुरी के स्टार हैं, विक्की बेदर्दी नहीं रहा, विक्की बेदर्दी नहीं रहा, पोस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे। और अभी उनको एक पोस्ट करने में ये दिक्कत हो रहा है कि प्लीज़ विक्की बेदर्दी की मदद कर, एक लोग पोस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। और हम लोगों ने जो जिन लोगों से अभी तक बात की है, कुछ लोगों ने मदद के लिए हाथ आया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मरने से पहले, किसी के मौत होने से पहले आप उसको सपोर्ट करिए, सहायता कीजिए, मरने के बाद तो सबको ही खड़ा होता है।